सो गाइस टुडे इज संडे और संडे वाले दिन जितना हैवी नाश्ता हो सकता है ना जितना उतना करना चाहिए। मैंने मम्मी से कहा कि मेरा एक मुख्तसर सा पराठा होना चाहिए, तो ये पेपर जैसा पराठा मेरा रेडी हो चुका है एंड आई लाइक क्रंची पराठा, तो दिस इज़ अ क्रंची, दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट दैट आई एम गोइंग टू डू। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। ब्रेकफास्ट करते करते ये ट्रांजिशन हो गई है मेरी और मैं बाहर आ गई हूँ। सो एक्चुअली वेदर उतना अच्छा था कि हमने सोचा जल्दी से हम जो है सी सॉल्ट चलते हैं, बट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट लोकेशन। और यहाँ पे जिससे भी पूछा सी सॉल्ट के बारे में उन्हें तो पता ही नहीं था, उन्हें तो ये भी मुझसे पता चला होगा कि यहाँ पे सी सॉल्ट है, लाइक सीरियसली किसी को नहीं पता था। पर हमने सोचा कि अब हम दो दरिया ही चलते हैं, और दो दरिया पे पहले बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे लेकिन अब सिर्फ दो ही थे और बाकी तो सारे अबैंडन से लग रहे थे, ऐसे स्पूकी सी वाइब्स आ रही थी। बस हम चलते चले जा रहे थे, मुझे लगा कि अब मुझे कह देना चाहिए कि मुझे नहीं पता लोकेशन। मैं इतने कॉन्फिडेंटली कह रही थी कि हाँ हाँ आगे है आगे है, और आगे करते करते अब हैदराबाद निकल जाते थे। मैंने कहा लीव इट, अब हम दो दरिया ही चलते हैं, और यहाँ पे बीच में इतने अच्छे हाउसेज आते हैं तो मैं इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ। एंड बस यहाँ पे कबाब जीज था और अल हबीबी ओपन था, तो मैंने बोला कबाब जीज चलते हैं, पर हमारे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं हम अल हबीब ही जाएंगे रेस्टोरेंट। तो मैंने कहा ओके हबीबी, लेट्स गो टू हबीब रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमेशा बहुत तेज़ ट्रैफिक होती है, तो हमें चाहिए कि हम बड़ी सावधानी से जो है वो कार पार्किंग करें वरना उड़ जाएंगे। सो गाइज अभी हम लोग अल हबीब रेस्टोरेंट आए हैं, सो लेट्स गो देयर एंड वी वर गोइंग टू सी सॉल्ट बट वी डोंट नो द एड्रेस। और मेरे मोबाइल में 3G भी ख़त्म हो गया, सो आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड द एड्रेस। इस वजह से अल हबीब रेस्टोरेंट दो दरिया, लेट्स गो देयर। जैसे ही हम एंटर हुए तो हमें ऐसा लगा कि हम आज के फर्स्ट कस्टमर हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई नज़र ही नहीं आ रहा था, पर जाते गए तो पता चला नहीं यहाँ पे तो फुल तैयारी ऑन है। एंड रात में जो है वो दो दरिया पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, पर इस टाइम बहुत ज़्यादा काम एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है। पता नहीं लोग इस टाइम ज़्यादा नहीं आते, लेकिन इस टाइम का व्यू बहुत अमेजिंग होता है क्योंकि रात में इतना ज़्यादा सब नज़र नहीं आता, सुबह के टाइम व्यू और ज़्यादा प्रोमिनेंट और ब्यूटीफुल हो जाता है। तो जाते ही व्यू चेक करना तो इट्स मस्ट, बट वेटर ने बोला कि दूसरी टेबल पर आ जाएं, वहाँ का व्यू तो और ज़्यादा ही एक्सेप्शनल है। तो हमने बोला लेट्स गो, इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या होगी कि हमारी वीडियो में और हमारे व्यूअर्स को और ज़्यादा अच्छा व्यू नज़र आए। सो ये वही जगह है जो वेटर ने बताई थी, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ का व्यू तो और भी ज़्यादा अमेजिंग है, लाइक सीरियसली आई हैव नो वर्ड्स। और वहाँ पे लोग फिशिंग कर रहे थे, यहाँ से एक्चुअली पूरे रेस्टोरेंट का जो है वो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को ये व्यू कैसा लगा। मुझे इतना ब्यूटीफुल वेदर था और यहाँ पे जो है लोग फिशिंग कर रहे थे, इनको देख के मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि यहाँ पे कौन कौन सी फिशेज होंगी, कितनी बड़ी बड़ी फिशेज होंगी, और सी के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रिएचर्स होती हैं जो हमें नहीं पता, एंड हो सकता है कि यहाँ पे ब्लू व्हेल भी हो। जस्ट इमेजिन हम इधर हों और एकदम से ब्लू व्हेल आ जाए हमारे सामने, यू नेवर नो भाई। मेरे दिमाग में तो ऐसी बातें आती रहती हैं कि एकदम से ब्लू व्हेल आ जाए, एकदम से लाइन आ जाए, मतलब कुछ भी। तो बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को इस व्यू के बारे में, तो अब मैं कुछ बता ही नहीं सकती। आप लोगों को देख के खुद ही पता चल गया होगा कि हम कितना इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पे। और अभी हमने जस्ट मेन्यू देखा था तो बस ऑर्डर दे दिया था, अब जब खाना आएगा तभी आप लोगों को बताऊँगी कि हमने क्या ऑर्डर किया। सो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा ऑर्डर जो है वो कब आएगा, देन आई विल शो यू गाइस कि हमने क्या ऑर्डर करा है। और यहाँ पे बोर्ड जा रही थी जिसे देख के अम्मी को एक फ़नी फ्लैशबैक स्टोरी याद आ गई, तो वो स्टोरी मैंने वीडियो के एंड में शेयर किया तो वो ज़रूर सुनिएगा, इट्स वेरी फ़नी। हमारे साथ तो देखें ऐसे फ़नी मिसहैप्स होते रहते हैं, और ऐसी स्टोरीज़ जानने के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते रहें क्योंकि मेरे पास बहुत स्टोरीज़ हैं आप लोगों को बताने के लिए। एक तो हमारा एक बार प्लेन क्रैश होने वाला था, ये भी बहुत स्टोरी है हमारे पास, और भी बहुत सारी हैं। तो मैं बस वीडियो यहाँ पे मेरी बन रही थी और साथ में हमारा ऑर्डर भी आ गया था। तो हेयर इज़ आर डिलीशियस फूड, वी ऑर्डर चिकन मखनी हांडी विद नान, एंड द नान वर सो सॉफ्ट एंड
The makhni handi was so creamy. मैंने तो बहुत ज़्यादा खा लिया और अब मैं पेप्सी पी रही हूँ, उसके बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। चाय नहीं पीनी, ये चाय मेरी नहीं है, मैं तो सिर्फ दिखा रही थी कि आप चाय भी पी रहे हैं। अब आते हैं हम बोट की स्टोरी पे, और बोट की स्टोरी ये है कि एक बार मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जा रही थी बोट में, और अचानक से यही वाली बोट थी, और अचानक से जो है उसका इंजन स्टॉप हो गया था, तो जिस वजह से बोट एक जगह पे रुक गई थी और सब बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, और अचानक से जो है वो बोट खुद ही हवा के ज़रिए जो है वो साहिल पे आ गई थी, और फिर सब जो है फैमिली मेम्बर्स वो छलांग मार के बोट में से बाहर निकले, और सबको लग रहा था कि बस अभी हम डूब जाएंगे, लेकिन बच गए। अब पुराने ज़माने की जो भी स्टोरीज़ होती हैं उसमें एंडिंग यही होती है कि बच जाते हैं किसी ना किसी तरह से, ये अच्छी बात है, तो ऐसा भी होता है। तो अम्मी को तो बोट देख के यही स्टोरी याद आ गई थी, लेकिन ये वाली बोट मुझे अच्छी लग रही है, इसमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। माय गॉड, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ओह माय गॉड, अरे बहुत तेज, ओह अल्लाह तेरा शुक्र। और पिंक बस मुझे दिख रही है, बारबी बस। पहले तो आज तक मैंने कभी पिंक बस नहीं देखी, जब से बारबी मूवी आई है तब से मुझे लग रहा है इनको ख्याल आया कि पिंक बस भी बनाए हम। और सी व्यू पे तो इतना ज़्यादा रश हो रहा है कि बस लग रहा है पूरा कराची दरी आ गया है बस, और सामने वाली बस में डांस हो रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, सब अपनी पार्टी कर रहे हैं। जब भी मैं व्लॉगिंग कर रही होती हूँ कुछ अनयूजुअल ज़रूर दिखता है, ये देखें पिंक बस के ऊपर, इन्हें ये भी नहीं ख्याल कि नीचे गिर जाएंगे या कुछ, बस डांस चलता रहे, ऐसा लग रहा है इनकी कोई लॉटरी निकली है, मतलब ऐसे कौन डांस करता है, इन्हें किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। ये सब आपको देखें पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, तभी तो हमारा पाकिस्तान इतना अमेजिंग है, ये सब हमारे पाकिस्तान में जिंदा दिल लोग हैं। ये देखें बस के ऊपर डांस हो रहा है, वेरी फनी। सच अ क्यूट डॉगी, ये देखिए मुझे डॉगी देखने को मिला, आई विल शो यू गाइस टू, सच अ क्यूट डॉग, कितने मजे से जा रहे हैं। आई एम बैक होम नाउ, और अब मैं जल्दी से मगरिब की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ ताकि नमाज़ कज़ा ना हो जाए, और नमाज़ कभी भी छुटनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो नमाज़ हमेशा पूरी होनी चाहिए 5 वक्त की। उसके बाद मैं अपनी ग्रीन टी बनाऊंगी, क्योंकि जो सब मैंने खाया है उसको डिसॉल्व भी तो करना है, ऐसे अगर हम लेट गए तो हमारा क्या हाल होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, हैवी मील्स के बाद ग्रीन टी ज़रूरी होती है, वरना ऐसा लगता है कि कोई पाप हो गया जो ग्रीन टी नहीं पी। और ये देखिए मैं बड़ी महारत से ग्रीन टी बना रही थी, और उसका टैग भी उसी के अंदर चला गया। मेरे साथ ही ये सब होता है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तभी होता है, वरना इससे पहले तो ये आज तक नहीं आई। ये देखिए ज़रा ये भी डूब गया, बस मेरी ग्रीन टी रेडी हो गई है। आई एम डन विद नमाज अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ में मैंने ग्रीन टी भी बना ली थी जो कि मैं अभी पीऊँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैं चाहती हूँ कि मेरी हर वीडियो के एंड में एक पॉजिटिव मैसेज हो, तो आज का पॉजिटिव मैसेज ये है कि बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, और जब आप हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहते हैं तो अल्लाह आपको और चीज़ों से नवाजता है। सो आपको चाहिए कि आप हर दिन ग्रेटफुल रहें, अगर आप उठ रहे हैं
सो के उठ रहे हैं तो आप ग्रेटफुल हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो ग्रेटफुल रहें, अच्छा खा रहे हैं ग्रेटफुल रहें, बिकॉज अभी भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सब नहीं है। तो अनग्रेटफुल रहने की क्या वजह है आपके पास भाई? हर दिन खुश रहें, ग्रेटफुल रहें और अल्लाह आपको और देगा। तो बस खुश रहा करें और ग्रीन टी पीते रहें और बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड सी यू विद द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।